गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ कल्पना मैम टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट एम एल पी स्कूल राजपुरा टूडे माई टॉपिक इज साउंड ऑफ ओ वाउ मैनी हाउ मैनीस फाइव विच देम ए ई आई ओ यू और आज हम कौन सा करेंगे साउंड साउंड ऑफ ओ वो ओ ओके सो लेट्स स्टार्ट देखिए फर्स्ट इज

बैल ऑक्स मींस बैल बीओक्स बॉक्स बॉक्स मींस है ना डिब्बा होता है ना कोई भी बॉक्स होता है डिब्बा बी ओ एक्स बॉक्स बी ओ एक्स बुक बी डबल ओ के बुक बुक मींस किताब बी डबल ओ के बुक बुक मींस किताब बी डबल ओ के बुक बुक मींस किताब सभी में किसका यूज हो रहा है वॉविल ओ साउंड ऑफ ओ ओके okay? नेक्स्ट है आर ओ एस ई रोज रोज मीस गुलाब आर ओ एस ई रोज रोज मीन गुलाब एन ओ नो नो मीस नहीं एन ओ नो एन ओ नो नो मीस नहीं लॉक एल सी के लॉक लॉक मींस ताला एल ओ सी के लॉक लॉक मींस ता ताला एल सी के लॉक लॉक मीस ताला एल ओसी के लॉक लॉक मीस तालाक्स्ट है हाउस एच ओ यू एस ई हाउस हाउस मींस घर एच ओ यू एसई हाउस हाउस मीस घर एच ओ यू एसि हाउस नोज एनओ एसई नोज नोज मीस नाक नोज मीस नाक एनओ एस नोज नोज मीस नाक वंस अगेन बेटा साउंड ऑफ ओ डी ओ जी डॉक्ट डॉग मींस कुत्ता सीओडब्ल्यू काओ काव मींस गाय एफ ओ एक्स फॉक्स फॉक्स मिस लोमड़ी ओ एक्स ऑक्स ऑक्समिस बैल बी ओ एक्स बॉक्स बॉक्स मिस डिब्बा बी डबल ओ के बुक बुक मीस किताब आर ओ एस सी रोज रोज मिस गुलाब एन ओ नो नो मिस नहीं लॉक एल ओ सी के लॉक लॉक मिस ताला हाउस एच ओ यू एस सी हाउस हाउस मिस घर nose 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 n o s e nose. Nose means नाक ओके okay? तो ये सभी में किसका यूज हो रहा था साउंड ऑफ ओ वो वे ओ का यूज हो रहा है और ये आपको सभी को इंग्लिश नोटबुक में राइट डाउन करना है साउंड ऑफ ओ और वर्क करना है आपको नीट एंड क्लीन ओके सभी का वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए और साथ में बेटा लर्न भी करेंगे ओके okay, बेटा ओके बेटा बाय सी यू हैव ए नाइस डे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स माई सेल्फ कल्पना मैम टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट एम एल पी स्कूल राजपुरा टूडे माई टॉपिक इज टेबल ऑफ नाइन सब्जेक्ट मैथ बेटा आज हम आपको मैथ में क्या कराएंगे टेबल ऑफ नाइन ओके आपको साथ में लर्न भी करना है बेटा ठीक है और मैथ मैथ नोटबुक में राइट डाउन करना है सभी को नाइन वनजा नाइन नाइन वनजा नाइन Nine twoza eighteen one eight eighteen nine twoza eighteen nine threeza twenty seven two seven twenty seven nine threeza twenty seven nine fourza thirty six nine fourza

Nine sevens are sixty three six three sixty three nine sevens are sixty three nine eights are eighty one sorry seventy two nine eights are seventy two nine nines are eighty one eight one eighty one and nine tens are ninety nine zero ninety okay tell you once again nine ones za nine nine two za eighteen nine three za twenty seven nine four are thirty 36 nine five za forty five nine six are fifty four nine seven are 63 nine eight are seventy-two. seventy two nine nine za eighty one Nine tens are 90 once again nine ones are 9 Nine twos are 18 9 threes are 27 Nine fours fours are 36 Nine fives are 45 9 sixes are 54 9 sevens are 63 9 eights are 72 Nine nines are 81 Nine tens are 90 9 ones are 9 Nine twos are 18 9 threes are 27 नाइन फोर जा थर्टी सिक्स नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव नाइन सिक्स जॉ फिफ्टी फोर नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री नाइन एट सेवेंटी टू नाइन नाइन जॉ एटी वन नाइन टेन जा नाइनटी तो ये आज बेटा आपका वर्क था टेबल ऑफ नाइन और आपको टेबल लर्न करने हैं ठीक है थीके? अच्छे से सभी बच्चे लर्न करेंगे घर पर ओके बेटा ए नाइस डे बाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई सेल्फ सुषमा मैम टीचर ऑफ़ यू के जी क्लास एट एम एल पी ग्रुप ऑफ स्कूल्स क्लास यूकेजी सब्जेक्ट हिंदी में बेटा आज हम करेंगे बड़ी की मात्रा का जोड़ बेटा देखिए आज हम सीखेंगे बड़ी की मात्रा का जोड़ तो देखिए वर्ण के साथ कैसे हम बड़ी की मात्रा का यूज करेंगे देखिए मेरे साथ साथ है प्लस बड़ी की मात्रा प्लस र प्लस, की मात्रा तो इन सबको बेटा हमें प्लस का साइन हटा के सीधा सीधा लिखना है जोड़ जोड़ के और बोल बोल के मेरे साथ साथ बोलना आप है है किस... बाद में क्या बेटा बड़ी की मात्रा तो बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगी फिर लिखेंगे रे फिर क्या हमारी आ की मात्रा ये आ की मात्रा क्या बन गया है बड़ी की मात्रा ही रे आ हीरा क्या बन गया बेटा हीरा इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट लिखेंगे खे ख लिखेंगे उसके बाद में क्या है प्लस का साइन हटा देंगे बड़ी की मात्रा लगाएंगे फिर क्या बेटा हमारा फिर लगाएंगे आ की मात्रा बोलना बेटा क्या बन गया खे बड़ी की मात्रा खी रह, आ खीरा, जय जय के बाद क्या बेटा प्लस का साइन हटा देंगे बड़ी की मात्रा ते, क्या बन गया जी ते, जीत नेक्स्ट बेटा बे प्लस का साइन बेटा सब हटा देंगे सीधा लिख देंगे के 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 बाद क्या है हमारा रे। रे के बाद बड़ी की मात्रा क्या बन गया बे के री बकरी दे। दे के बाद क्या है बड़ी की मात्रा ऐसे बड़ी की मात्रा फिर लिखेंगे पे। प्लस का साइन हटा के के क्या बन गया दे बड़ी की मात्रा दी के दीपक नेक्स्ट है मैं प्लस का साइन हटा देंगे क्या लिखेंगे फिर छ ले। ले के साथ क्या है बड़ी की मात्रा क्या बन गया मैं ली मछली नेक्स्ट बेटा लय प्लस का साइन हटा देंगे डे। दे। फिर प्लस का साइन हटा देंगे कै लिखेंगे कै के, के साथ क्या यूज करेंगे बड़ी की मात्रा क्या बन गया बेटा की, लड़की के, प्लस का साइन हटा देंगे बेटा के, डे तो 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 के साथ क्या है बड़ी की मात्रा क्या बन गया के ड़ी ककड़ी लेट्स रिवीजन करते बैठे हम है के साथ बड़ी की मात्रा ही प्लस र की मात्रा क्या बन गया ही रा हीरा बड़ी की मात्रा खी र की मात्रा रा खी खीरा। जय बड़ी की मात्रा जी ते जीत बड़ी की मात्रा री री बकरी बड़ी की मात्रा दी के दीपक मैं बड़ी की मात्रा ली मैं ली मछली ले डे कै बड़ी की मात्रा ई ले की लड़की के कै बड़ी की मात्रा ककड़ी के, इसी तरीके से बेटा ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में ओके बेटा थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट माई से सुषमा मैम टीचर ऑफ यू के जी क्लास एट एम एन पी ग्रुप ऑफ स्कूल्स सब्जेक्ट मैथ में बेटा आज हम करेंगे पेज नंबर है हमारा एटी फाइव पेज नंबर बेटा हमारा एटी फाइव चैप्टर नंबर टू हमारा लेट स्टार्ट तो देखिए क्या करेंगे बेटा पहले बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन बिफोर पहले आफ्टर मीन बाद में और बिटवीन यानी बीच में देखिए बेटा ये हमारी पिक्चर्स दी हुई है पिजन कैट हॉर्स पिजन इज स्टैंडिंग बिफोर कैट पिजन जो है वो कैट से बिफोर यानी कि पहले है कैट कहाँ है बेटा हमारी बिटवीन और बिटवीन से बिफोर बिफोर यानी कि पिजन हो गया हमारा हॉर्स इज स्टैंडिंग आफ्टर कैट जो कैट है उसके आफ्टर यानी कि बाद में क्या है हमारा हॉर्स है कैट इज स्टैंडिंग बिटवीन पिजन एंड हॉर्स और जो कैट है हमारी वो पिजन के और हॉर्स के दोनों के बिटवीन यानी कि बीच में है ठीक है बेटा तो ये क्या हो गया जो हमारा पिजन है वो कैट से बिफोर है यानी कि पहले है और जो हॉर्स है वो कैट के आफ्टर होर्स है वो कहा है? आफ्टर हो गया और कैट कहा हो गई बेटा दोनों के बिटवीन यानी बीच में पिजन के और हॉर्स के बिटवीन यानी बीच में हो गई हमारी कैट नेक्स्ट बेटा यू आर लेफ्ट योर लेफ्ट जो आपका हाथ है उसके लेफ्ट इधर चलेंगे लेफ्ट में और राइट चलेंगे इधर राइट हैंड के साइड तो देखिए जिराफ इज स्टैंडिंग एट फाइव जिराफ कहाँ पे खड़ा हुआ है बेटा जिराफ कितने नंबर पे है फाइव नंबर पे फोर इज जस्ट बिफोर फाइव तो फाइव से जस्ट पहले बिफोर क्या है हमारा फोर है इट इज टू द लेफ्ट ऑफ फाइव जो बिफोर होता है वो कहाँ होता है फाइव के लेफ्ट में होगा ठीक है फाइव के लेफ्ट में क्या हो बेटा हमारा बिफोर हो गया फाइव इज बिटवीन फोर एंड सिक्स फाइव है वो कहा है फोर और सिक्स के बिटवीन यानी कि बीच में फोर और सिक्स के बीच में क्या बेटा हमारा फाइव सिक्स इज जस्ट आफ्टर फाइव जो सिक्स है वो कहा है फाइव के जस्ट आफ्टर यानी कि बाद में जो हमारा राइट right हैंड है उधर चलेंगे इट इज टू द राइट ऑफ फाइव ये फाइव के राइट right में चलेंगे जो फाइव के राइट right में है वो हमारा हो गया आफ्टर और जो फाइव है उससे लेफ्ट में हो गया हमारा बिफोर ठीक है ये हो गया हमारा बिफोर और सिक्स हो गया हमारा आफ्टर और फाइव क्या हो गया बिटवीन ठीक है बेटा ये पेज आपको अच्छे से समझना है, है ठीक हैल्पना okay, जी क्लास एट एम एल पी स्कूल सब्जेक्ट ईवीएस बेटा आज हम आपको ईवीएस में कराएंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स होते हैं पौधा प्लांट, प्लांट मीन पौधा ठीक है जो पौधे के जो पार्ट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं देखिए वी सी मेनी काइंड प्लांट्स अराउंड अस हम अपने चारों ओर कई प्रकार के पौधे देखते हैं ना पौधे होते हैं ना पौधे होते हैं पेड़ होते हैं मतलब किस कई प्रकार के दीज आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और ये उसी के पार्ट्स हैं देखिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है बेटा और ये ये जो ये सभी पार्ट्स दिए हुए हैं ठीक है ठीके? जो प्लांट के पार्ट होते हैं वो सभी दिए हुए हैं देखिए मेन मेन जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं देखिए प्लांट के अंदर क्या होता है पहले देखिए प्लांट के ऊपर ये क्या है फ्लावर फ्लावर मीन्स फूल ठीक है ये इसका एक हिस्सा है पार्ट है ठीक है एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर फ्लावर मीन्स फूल है ना फ्लावर मीन्स फूल नेक्स्ट है फ्रूट ये देखिए फ्रूट फल है ठीक है फ्रूट मीन्स फल एफ आर यू आई टी फ्रूट फ्रूट मीन्स फल है ना प्लांट के ऊपर फूल भी आता है फिर उससे फल बनता है है ना फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट नेक्स्ट है हमारा स्टेम, तना जो जो प्लांट का जो तना होता है नीचे देखिए यहाँ से जो नीचे से जमीन के अंदर से नीचे से निकलता हुआ जो दिखाई दे रहा है ये सीधा ये होता है स्टेम, तना एस टी ई एम स्टेम, तना स्टेम इज़ तना ये देखिए ये तना है ठीक है और ये देखिए ये जो जमीन के अंदर है ये क्या होती है हमारी रूट्स है ना जड़ें आर डबल ओ टी एस रूट्स जड़ें ये देखिए पूरा नीचे धरती में जमीन के अंदर क्या है जड़ें रूट्स आर डबल ओ टी एस रूट्स आर डबल ओ टी एस रूट्स जड़ें नेक्स्ट बेटा लीव्स पत्तियां ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है ये सभी क्या है पत्तियां ठीक है लीव्स एल -E -E ई ए वी ई एस लीव्स लीव्स मीन्स पत्तियां एल ई -E ए वी ई -E एस लीव्स पत्ती ठीक है पत्तियाँ चलिए वंस अगेन बेटा फ्लावर एफ एल ओ डब्लू ई आर फ्लावर एफ एल ओ डब्लू ई आर फ्लावर फ्रूट एफ आर यू आई टी फ्रूट स्टेम एस टी एम स्टेम तना रूट्स आर डब्लो टी एस रूट्स जड़े रूट्स मीन्स जड़े लीव्स एल ई ए वी ई एस लिव्स लिवस मिस पत्तियाँ लिवस मिस पत्तियाँ तो ये बेटा आज आपका था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ठीक है ये प्लांट के पार्ट्स थे जो कि आपको बुक में दिया हुआ है सब्जेक्ट ई और ये आपको लर्न करना है ठीक है और मैं ये आपको नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आपको नोटबुक में राइट डाउन कराऊंगी चलिए ओके बेटा बाय सी यू good morning, students. myself, kalpana, i am teacher of UKG class at mlp school rajpura. today my topic is english rhymes. my poem name is chubby chicks, dimple chin so. let's start. chubby chicks, dimple chain, rosy lips, teeth with him, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely to teachers, but is check you. yes, yes, yes. Once again, chubby cheeks, dimple chin, rosy lips, teeth with him, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher said, is that you? Yes, yes, yes. Thank you. Bye.